हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन शुभम्स कुकबुक NDIY। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पाइन एप्पल यानी कि अनानास को छीलने और काटने का दो सबसे आसान तरीका जो जनरली मैं घर पे यूज़ करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है एक पका हुआ पाइन एप्पल। पाइन एप्पल पका है या नहीं इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका इसका जो छिलका है, इसका स्किन है, उससे ही आप पता कर सकते हैं। अगर छिलका ग्रीन है तो ये ठीक से पका नहीं है। छिलका अगर येलो हो रहा है इसका मतलब ये पका हुआ है। तो अब इसे काटने के लिए आपको चाहिए छोटी वाली चाकू और साथ ही आपको एक शेफ़ नाइफ चाहिए, ये जो बड़ा वाला चाकू होता है वो। और इसे होल्ड करने के लिए आप इस तरह के फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इसके ऊपर में जो थोड़ा सा स्टेम और ये लीफ लगा होता है हम उसे भी पकड़ के इसको अच्छे से काट सकते हैं। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसका ये जो एंड वाला पोर्शन है इसे हटा देंगे और उसके बाद लगभग एक इंच के टुकड़े में इसे इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। आपको मान लीजिए अगर आधा पाइनएप्पल ही यूज़ करना है तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है कि आपको जितना पाइनएप्पल यूज़ करना है उतने पाइनएप्पल का आप इस तरह से गोल गोल व्हील्स काट लीजिए। और उसके बाद ये जो इसके बीच में थोड़ा हार्ड स्टेम होता है ये एडिबल नहीं होता है, तो इसको इस तरह से स्कूप करके आप निकाल दीजिए। उसके बाद बड़े वाले चाकू से ही इसके छिलकों को इस तरह से आप बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं और ये हो गया रेडी। और अब आप इसे सैलड में यूज़ कर सकते हैं, इसे केक में यूज़ कर सकते हैं, रायता बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया दोस्तों। अब जो दूसरा तरीका है, अगर आपको ये पूरा ही पाइनएप्पल एक साथ यूज़ करना है तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है जो मैं अब आपसे शेयर करूँगी। तो इसके लिए इसका पाइनएप्पल का जो एज है उसे तो काट लेना है और उसके बाद इसे जो फ्लैट सरफेस है उसे चॉपिंग बोर्ड पर रखते हुए इस तरीके से इसके स्टेम को, जो ऊपर में स्टेम लगा हुआ है उससे पकड़ के इस तरह से गोल घुमाते हुए बड़े वाले चाकू से हम इसका छिलका हटा देंगे। ये शेफ़ नाइफ से इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है दोस्तों। ये देखिए ये सारा छिलका कितनी आसानी से निकल गया। और उसके बाद इसका ये जो पोर्शन है इसे भी हम काट के हटा देंगे। और अगर आपको इसमें अब कोई दाग वगैरह दिखता है तो उसे हटा लीजिए और साथ ही ये जो इसमें ये छोटे छोटे कांटे जैसे रहते हैं इसे आप इस तरीके से छोटे वाले चाकू से हटा दीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप पाइनएप्पल घर इसलिए नहीं लाते कि आपको इसे काटना और छीलना लगता है झंझट, तो ये रहा सोल्यूशन। पाइनएप्पल को अपने डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और इसमें होता है आयरन और कैल्शियम जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसमें होता है विटामिन ए जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और साथ ही पाइनएप्पल होता है डाइट्री फाइबर से भरपूर जो कि हमारे डाइजेशन के लिए होता है बहुत ही अच्छा। तो इसका छिलका हटाने के बाद इसे एक बार अच्छे से पानी से धो लें, ठंडे पानी से, और उसके बाद आप इसे मनचाहे शेप में काट के यूज़ करें। इसे काटते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि पाइनएप्पल को छीलने के बाद ये हो जाता है थोड़ा सा स्लिपरी, तो इसीलिए चॉपिंग बोर्ड रखते वक्त यहाँ पे नीचे में मैंने देखिए एक टॉवल बिछा के रखा है ताकि चॉपिंग बोर्ड स्लिप ना हो या फिर पाइनएप्पल स्लिप ना हो। तो इसे आप अपने मनचाहे आकार में काट लीजिए। इसका बस ये जो बीच वाला स्टेम होता है उसे हटा देना है आपको क्योंकि वो बिल्कुल एडिबल नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।